अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने अपने किचन में बनाया है मटन बिरयानी। इस रेसिपी बनाना स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा लाजमी, अगर आपको पसंद आए तो। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लें, उसमें एक कप ऑयल डालें, दो प्याज बारीक स्लाइस करके काट लें और ऐड कर दें। प्याज को डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करें। हमारा प्याज फ्राई हो गया, आधा प्याज निकाल लें। दो तेज़पात, चार इलायची, सब्ज़ काली मिर्चें, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी डाल दें। साथ ही 1 किलो छोटा गोश्त लिया है मटन, वो ऐड कर दें। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून ऐड कर दें और साथ ही नमक। आप गोश्त को 2-3 मिनट के लिए भून लें। ज़ीरा 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून, चिली, हल्दी, रेड चिली पाउडर, टमाटर 3 से 4 अदद हैं वो ऐड कर दें। चार से पाँच मिनट के लिए इन सब मसालों को गोश्त के साथ भून लें हमारे टमाटर, जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। और साथ ही 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला ऐड कर दें। उस टाइम तक पकाएं जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर तकरीबन हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। आप 2 कप पानी ऐड करके हल्की आंच पर उस टाइम तक पकाएं जब तक गोश्त गल ना जाए। 30 मिनट हो गए हैं, हमारा गोश्त गल गया है। अब मैं इसमें इमली 1 बड़ा चम्मच ऐड कर रही हूँ, 1 कप दही, मटर मसाले को उस टाइम तक पकाएं जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए। मटन को अच्छे से भून लें। साथ ही ग्रीन चिली मैं ऐड कर रही हूँ। तकरीबन हमारा मटन बिरयानी मसाला रेडी हो गया है। चलें चावल उबाइल कर लेते हैं। 1 बड़े पतीले में मैंने पानी लिया, उसमें नमक डाल रही हूँ और साथ ही भिगोए हुए चावल जो 20 मिनट पहले मैंने भिगो दिए थे वो ऐड कर रही हूँ। चावल उबाइल होना शुरू हो गया, 1 चम्मच सिरका डाल दें। अब एक तह चावलों की लगाएं, उसके ऊपर मटन बिरयानी मसाले की लगाएं, दूसरी तह चावल की, फिर दोबारा 1 तह मसाले की लगाएं, अब एंड में राइस की तह लगाएं। चुटकी भर मैंने जर्दे का रंग लिया, इसमें मैंने पानी ऐड करके इसको हल कर लिया है, ये डाल दें। साथ ही पुदीना आधी गड्डी थी, लीमू स्लाइस, 2 लीमू थे मैंने स्लाइस में इनको काट लिया है, और जो प्याज हमने रखा था वो भी डाल दें। अब हम चावलों को दम लगाने लगे हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे। दम हमारा हो गया है, हमारी मज़ेदार मटन बिरयानी रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।